अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। और युद्ध के बीच गाजा और मिस्र के बीच रफाह बॉर्डर पर बड़ी हलचल देखी जा रही है। गाजा के लोग रफाह बॉर्डर से मिस्र जाने के लिए बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं। रफाह बॉर्डर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। हालांकि ये मिस्र पर निर्भर करता है कि वो अपने यहाँ गाजा के शरणार्थियों को आने की इजाजत देता है या नहीं। जहां अरब देश और मुस्लिम देश फिलिस्तीन के लिए के हिमायती बनकर खड़े हुए हैं, वहीं प्रश्न ये उठता है कि इन्हीं देशों ने अपने बॉर्डर्स गाजा से निकल रहे रिफ्यूजियों के लिए क्यों नहीं खोले हैं। राफा बॉर्डर पर गाजा पट्टी से निकले हुए कई सारे फिलिस्तीनी शरणार्थी वहां इंतजार कर रहे हैं कि ईजिप्ट की तरफ से क्या बॉर्डर खुलेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब वहीं हमास के खिलाफ इसराइल की सेना हर दिन नए नए तरकीबें अपना रही है। जंग में जीत हासिल करने के लिए हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मार भी रही है। और अब दावा यह किया जा रहा है कि हमास के हमले से बचने के लिए इसराइल ने बुलेट प्रूफ बंकर्स भी तैयार किए। हमास के खिलाफ इसराइल का बुलेट प्रूफ प्लान, इसराइल के बुलेट बंकर में हलचल, इसराइल में सबसे सेफ ठिकाना। इसराइल से लोहा लेने वाले हमास आतंकियों की सांसों को अगर इस वक्त कोई सुरक्षित कर रहा है तो वो है गाजा की जमीन के अंदर बने सुरंगों का ये जाल, जिसमें छिपकर हमास आतंकी रह रहकर इसराइल पर पलटवार कर रहे हैं। और अब कुछ ऐसे ही फॉर्मूले पर इसराइल का ब्लड प्रूफ बंकर पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। हमास के हमलों के खिलाफ हमास को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, हमास के हर हमलों के खिलाफ इसराइल को खड़ा रखने के लिए इसराइल के ये ब्लड प्रूफ बंकर नुमा टनल पूरे इसराइल में जगह जगह मौजूद है। जब भी हमास रॉकेट या फिर मिसाइल से इसराइल पर हमला करता है तो पूरे शहर में सायरन बजते हैं, जो इस बात का संकेत होता है कि इसराइल पर कोई हमला होने वाला है। इस सायरन को सुनकर लोग इन्हीं बंकरों में जाकर छिप जाते हैं। जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, है तो ये ट्रेन स्टेशन 2018 में बना, लेकिन इसे हम बंकर स्टेशन भी कह सकते हैं क्योंकि बड़े युद्ध की स्थिति में यह बंकर के तौर पर काम करेगा। एक बार आपको ऊपर दिखाते हैं, ये सरफेस का एरिया है, यानी ये लेवल वन इसको कहते हैं यहां की भाषा में। और ऊपर आप जाएंगे तो जमीन पे आ जाएंगे। जमीन से ये स्टेशन अंदर तक 80 मीटर तक है, यानी 262 फीट तक। इसराइल में बने बंकर न सिर्फ मॉडर्न है बल्कि इन बंकरों को ऐसे बनाया गया है कि लोग यहां महीनों तक रह सकते हैं। यहां खाने पीने की हर चीज की व्यवस्था होती है। ये बंकर इतने मजबूत होते हैं कि इसमें ग्रेनेड या फिर मिसाइलों का कोई असर नहीं होता। मजबूती आपको यहां से दिख जाएगी। दरअसल इसराइल में जब ट्रांसपोर्ट के लिए इसको बनाया गया तो दिमाग में यह भी रखा गया था कि बड़े युद्ध की स्थिति अगर होती है तो यहां हजारों की संख्या में लोगों को शेल्टर भी दिया जा सकता है। यानी बंकर नाम नहीं दिया गया है आधिकारिक तौर पे, लेकिन इसकी बनावट ऐसी है कि बड़े शेल्टर के तौर पे हजारों की संख्या में लोग यहां रह सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी मजबूती से बनाया गया है। अभी हम लोग महज 10 से 15 मीटर अंदर गए, अभी हमें और इस तरह के दो एस्केलेटर को पार करके फिर एक छोटे एस्केलेटर तक पहुंचना है जो कि 80 मीटर ऊपर से गहराई में है, और वहां आपको ट्रेनें मिलेंगी। इसराइल की मौजूदा राजधानी तेल अवीव में बना ये मेट्रो स्टेशन जमीन से करीब 80 मीटर यानी 262 फीट नीचे है। कहने को ये मेट्रो स्टेशन है लेकिन असल में ये इसराइल के लोगों के लिए जीवन रक्षक भी है। बड़े युद्ध की स्थिति में इसराइल के लोग इस मेट्रो स्टेशन को शेल्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में लोग एक समय में रह सकते हैं। इसराइल का ट्यूब टनल बम और मिसाइल से पूरी तरीके से सुरक्षित माना जाता है। न्यूक्लियर हमलों की सूरत में भी ये बेहद सुरक्षित माना जाता है। रासायनिक हथियारों से हमले में भी ये पूरी तरीके से सुरक्षित है और बायोलॉजिकल हमले से भी सुरक्षित रख सकता है। यहाँ ट्यूब भी है, ये तो हम स्टेशन के अंदर हैं, लेकिन ऊपर की बनावट देखिए किस तरह से मजबूती से बनाया गया है। 80 मीटर यानी 262 फीट अंदर है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके बनाने के पीछे एक मकसद ट्रांसपोर्ट का तो रहा था, लेकिन एक मकसद ये भी रहा था कि कोई बड़ा युद्ध छिड़ता है, क्योंकि इसराइल में युद्ध होते रहते हैं और कोई बड़ा युद्ध छिड़ता है तो हजारों की संख्या में
लोग यहाँ आ सकते हैं, खासकर कोई न्यूक्लियर युद्ध का खतरा हो, केमिकल युद्ध का खतरा हो, बायोलॉजिकल युद्ध का खतरा हो, तो लोग यहाँ आ सकते हैं और अपने आप को छिपा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये बंकर ट्रेन स्टेशन हम कह सकते हैं जेरूसलम में 2018 में बनाया गया था और बड़ा है। आमतौर पर जितने बड़े स्टेशन होते हैं दिल्ली में आपने देखा होगा मेट्रो के, उतना ही बड़ा प्लेटफॉर्म है इसका, लेकिन ट्यूब के अंदर भी एसी है, एयर कंडीशनर व्यवस्था है इस बंकर में, बंकर वाले स्टेशन में। केवल ये अंडरग्राउंड स्टेशन नहीं है, ये बंकर स्टेशन भी इसको कहते हैं। इजराइल को पता है कि उसके आसपास के सभी देश उनके वजूद को स्वीकार नहीं करते, इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इजराइल हर संभव कोशिश करता है। तेल अवीव में बना ये मेट्रो स्टेशन सिर्फ 5 साल पुराना है। इस स्टेशन के जरिए तेल अवीव को इजराइल के हर छोटे बड़े शहर से जोड़ा गया है। है तो ये ट्रेन स्टेशन 2018 में तैयार हुआ, लेकिन अगर बड़ा युद्ध हो जाए तो हजारों की संख्या में यहाँ लोगों को शेल्टर मिल सकता है, बंकर में आके रह सकते हैं। बहुत मजबूती से बनाया गया है। यहाँ से हम बाहर की तरफ निकल रहे, हर तरफ शीशा जो है वो बुलेट प्रूफ है, मोटे मोटे दरवाजे हैं। हम अब बाहर की तरफ जा रहे हैं और आपको बताते चलेंगे कि क्या कुछ खास सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ किया गया। ये देखिए, अगर आपातकालीन सिचुएशन आ जाए, अगर बहुत सारे आतंकवादी ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करे, तो ये दरवाजा है, ये आपातकालीन स्थिति में खुल जाता है। ये इधर इधर देखिए, ये सब दरवाजे हैं, खुल जाते हैं। और सामान्य तौर पे भी मोटा गेट है, ये गेट है, गोलियों का असर इस पे नहीं होगा, बहुत मजबूत धातु से बना है। और यहां भी गेट खुल जाएगा अगर आतंकवादी आकर अंदर जाने की कोशिश करे। अगर बाहर से आतंकवादी आकर अंदर आने की कोशिश करे, उस स्थिति में भी इसे बंद किया जा सके। इजराइल की तैयारियों से साफ है कि इजराइल बड़े युद्ध के लिए तैयार है। इजराइल में बने अंडरग्राउंड मेट्रो की लंबाई 150 किलोमीटर है, जिसमें 109 स्टेशन है। यहाँ मेट्रो की 3 लाइन है, ब्लू, पिंक और ऑरेंज। ये मेट्रो स्टेशन इजराइल के लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि किसी भी बड़े युद्ध में ये मेट्रो स्टेशन इजराइल के लोगों के लिए शेल्टर की तरह काम करेगा। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने अमेरिका को एक बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरान ने अमेरिका को इजराइल का हाथ और इजराइल का हाथ ना थामने के लिए, इजराइल का साथ ना देने के लिए कहा है, और कहा है कि अगर ये साथ चलता रहा तो अंजाम भुगतने की भी धमकी दे डाली है। ईरान ने ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से ये कहा गया है कि अमेरिका को दुनिया के मुस्लिम देशों के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है, यूरोप के देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।